नमस्कार, मैं डॉक्टर मदनलाल भट्ट, वाइस चांसलर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज मैं संक्षेप से COVID-19 कोरोना वायरस इन्फेक्शन से बचने के लिए और उसके खतरों के बारे में संक्षेप में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि विश्व में 98% कोरोना वायरस के मरीज माइल्ड नेचर के हैं, केवल 2% मरीज गंभीर हैं। इन 98% मरीजों को अगर केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आराम करें और किसी तरीके की कोई स्ट्रेस या टेंशन न लें तो ऐसे मरीज स्वतः ठीक हो सकते हैं। केवल 2% ऐसे मरीज हैं जो गंभीर स्थिति में हैं और उनकी खतरे के लिए उनके साथ ज़्यादा उम्र का होना, 65-70 साल से ज़्यादा की उम्र, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, किडनी या कैंसर जैसी किसी बीमारी से ग्रसित होना या शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी अन्य कारण से कम हो जाने के कारण उनको खतरा है। वास्तव खतरा तो 1% से कम है, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड जो विश्व में हो गया है, इस समय जो सर्विलांस सोसाइटी में हो रहा है कम्युनिटी में, उससे ये देखा जा रहा है कि हजारों हजार मरीज ऐसे हैं और भारतवर्ष में 60-70% ऐसे मरीज हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं। अगर उन एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को देखा जाए तो भारत में भी मृत्यु दर 1% से कम है। वास्तव में मृत्यु दर तो 3% है जिन मरीजों को देखा गया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर सोसाइटी का पूरा सर्वे किया जाए तो 1% से कम मृत्यु दर निकल के आएगी। ऐसी स्थिति में बचने के लिए जो सामान्य उपाय हैं, मैं उनको संक्षेप में बता रहा हूं, जिसको कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में स्वस्थ व्यक्ति उपाय के माध्यम से बच सकता है और कोई व्यक्ति अगर संक्रमित हो गया कोरोना वायरस से तो भी उससे ठीक होने की संभावना बहुत ही ज्यादा रहेगी। पहली तो बात यह है कि व्यक्ति को स्वस्थ जीवन शैली का पालन करना चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली में 6-8 घंटे की अच्छी नींद लेना आवश्यक है। इस नींद के घंटे में रात को 10 बजे से प्रातः 4 बजे का समय अवश्य इंक्लूडेड होना चाहिए। दूसरा आवश्यक है कि व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। पर्याप्त पानी में 3-4 लीटर या 5 लीटर तक गर्मी में धूप में निकलने वाले व्यक्ति को, और इस गर्मी के बावजूद भी गुनगुना पानी लेना स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा हितकारक है। तीसरा जो अति आवश्यक विषय है कि सुपाच्य पौष्टिक भोजन लेने की आवश्यकता है समय समय से, और फलों और सब्जियों का बहुतायत में प्रयोग करने की आवश्यकता है। इस समय पे फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, इन सब से बिल्कुल बचने की आवश्यकता है। स्मोकिंग से बिल्कुल बचने की आवश्यकता है। और कुछ ऐसी औषधियां हैं जो पूरा विश्व जिनकी गुणवत्ता को मानते हुए प्रयोग कर रहा है, वो भारत के आयुर्वेद में भी प्रचलित हैं, उनका भी प्रयोग करने की आवश्यकता है बचने के लिए और इलाज की दृष्टि से भी। इसमें सबसे आवश्यक है जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, नींबू, संतरा, मौसमी, उनका सेवन करना। नींबू को गुनगुने पानी में डाल करके अदरक के टुकड़े के साथ अगर उनको उबाल के लिया जाए तो वो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है और कोरोना में ठीक होने की संभावना भी बढ़ावा देता है। उसके साथ गिलोय रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, गिलोय का काढ़ा लेना या अदरक काली मिर्च का काढ़ा लेना तुलसी के पत्ते के साथ उबाल करके सुबह शाम लेना भी इसमें हितकर है। दिन भर गर्म पेय पदार्थ लेते रहना, जैसे हर्बल टी है या ग्रीन चाय का प्रयोग करना भी इसमें स्वास्थ्य के लिए हितकर है। हल्दी का भी ऐसा प्रभाव देखा गया है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है, वायरल इन्फेक्शन से बचत करती है। तो हल्दी दूध में डाल करके साथ में अगर काली मिर्च को भी प्रयोग किया जाए, खासतौर से हल्दी 4 तो काली मिर्च 1 के अनुपात में अगर दूध में डाल करके लिया जाए तो ये भी कोरोना इन्फेक्शन में सहायक है। और लहसुन में भी एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ देखी गई हैं, तो लहसुन, काली मिर्च और अदरक का मिश्रण भी प्रयोग किया जाए कच्चा या खाने के साथ सलाद के रूप में थोड़ी सी मात्रा में, तो ये भी रोग से बचाने में सहायक है। और कोई भी व्यक्ति इसमें जो संक्रमित होता है, अगर वो तनाव बहुत नहीं लेगा, घबराहट का शिकार नहीं होगा और अपनी कोमॉर्बिड कंडीशंस जो भी हैं, अगर डायबिटीज़ है, थायराइड की प्रॉब्लम है या अन्य कोई प्रॉब्लम है, तो उसका समुचित उपचार लेते रहें और उनसे बचने की आवश्यकता है। अगर वो बीमारी कंट्रोल में रहेगी तो इससे खतरा उतना नहीं होगा। और एक सौभाग्य की बात है कि प्रारंभ में माना जाता था कि गर्भवती महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए भी ये बहुत खतरनाक बीमारी हो सकती है,
लेकिन जो भारत में देखा गया है कि गर्भवती महिलाएं भी बहुत जल्दी ही शीघ्र वायरल फ्री होकर के डिस्चार्ज हो रही हैं, हमारे किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में दो महिलाएं 6 महीने और 8.5 महीने की प्रेगनेंसी के साथ 5 दिन से कम समय में वायरल फ्री होकर के डिस्चार्ज हो गई। छोटे बच्चों में भी 3 महीने का बच्चा एक गोरखपुर में, हमारे यहाँ 2.5 वर्ष का एक बच्चा, उत्तर प्रदेश में एक और 9 महीने का बच्चा, ऐसे महाराष्ट्र में भी छोटे बच्चे नवजात शिशुओं को वायरस इन्फेक्शन से, इस कोरोना वायरस से मुक्ति बहुत ही शीघ्र मिल गई। तो उन बच्चों पर भी ध्यान देना है, और ख़ास तौर से जो ध्यान देने की आवश्यकता है कि इसके लिए कोई वायरल एंटीवायरल ड्रग नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, अतः सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ को बार बार साबुन पानी से धोते रहें या हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें, और बाहर निकलते समय मास्क का नियमित रूप से यदि कोई प्रयोग करें तो वो बच सकता है, और यही इस वायरस की लड़ाई के लिए सबसे बड़ा साधन है। और अपने को बचाएं, दूसरों को बचाएं, इस संदेश से जितना भी अपने को लाभान्वित करें, दूसरों को बता करके लाभान्वित करें, वही इस मानवता की बहुत बड़ी सेवा होगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।